तो चलिए बच्चों, आज हम लोगों का है ये क्वेश्चन नंबर 8 सैंपल पेपर का। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या लिखा है? योगदात्रा लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अपॉइंट किया इन्होंने किसको? अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट को अपॉइंट किया है मिस्टर कार्तिके एज अ सीईओ अपॉइंट किया ऑफ द कंपनी विद अ टारगेट टू पेनिट्रेट देयर रूट्स इन देयर रूरल रीजन्स। मिस्टर कार्तिके डिस्कस द वे एंड द मीन्स टू अचीव द टारगेट ऑफ द कंपनी विद द फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उसने जो है पूरा डिस्कस किया एंड आस्क द फाइनेंस मैनेजर टू प्रिपेयर द बजट। और फाइनेंशियल मैनेजर को बोला बजट प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशंस गिवन बाय ऑल द डिपार्टमेंटल हेड द फाइनेंस मैनेजर ने क्या बात बोली सारे डिस्कशन के बाद कि हमें इन्वेस्टमेंट एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एडिशनल फंड की, और वो भी कितने? 52,50,000 की। अब आता है बात यहां पर, योगदात्रा लिमिटेड इज अ जीरो डेट कंपनी। इनके पास कुछ भी डिबेंचर नाम की चीज नहीं है, कोई लोन नाम की चीज नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के लिए फाइनेंस मैनेजर ने प्रपोज किया क्या कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को भी इंक्लूड करो, क्योंकि डेट इंक्लूड करने से क्या है कि कहीं ना कहीं आपको टैक्स शील्ड मिलती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो वहां पर आपका फायदा होता है। तो इसीलिए कंपनी ने सोचा कि पैसा डिवेंचर से उठाया जाएगा और इस पर्पस के लिए इन्होंने इशू किए 6% डिवेंचर 100 ईच का एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, जो कि रिडीमेबल किए जाएंगे आफ्टर 5 ईयर 110 पर, यानी पार से ज्यादा। अब आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट करो द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड। क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको कैलकुलेट करने हैं टू रेज द एडिशनल फंड्स। तो चलिए, बड़ा आसान सी बात है, आप डालें यहां पर सॉल्यूशन और वर्किंग नोट नंबर 1 में आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, 52,50,000। तो रुपीज 52,50,000 है और एक डिबेंचर की कीमत कितनी है? 100। और आप डिबेंचर को 5% प्रीमियम पर इशू करने जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा था। इशूड 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। हमने प्लस कर दिए इसके अंदर क्या 5, तो हमने डिबेंचर्स कितने पे इशू किए? 105 पर। तो अब बच्चों, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का एक ही तरीका है कि इसको आप डिवाइड कर दें 105 से, तो आपके पास आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर क्या 52,50,000। ज्यादा हो गया, 52,50,000 डिवाइडेड बाय 105, तो ये बच्चों आ जाएंगे आपके पास 50,000 डिबेंचर्स। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपसे जो पूछे गए हैं उसका आंसर है 50,000 डिबेंचर्स। अब देखो, अब आपसे सेकंड पॉइंट में आपसे देखिए क्या चीज पूछी गई है। आपसे सेकंड पॉइंट में पूछा गया है पास जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो देखिए बच्चों, अब आप जानते हो कि डिबेंचर आपके प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं, इशू भी प्रीमियम पर हो रहे हैं, रिडम्पशन भी प्रीमियम पर हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक बार हम नॉर्मल एंट्री करेंगे इशू की। सेकंड आप नॉर्मल एंट्री करेंगे इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
तो कितने पर इशू हो रहे हैं ये? 100 के थे, 5% प्रीमियम यानी 105 पर हो रहे हैं। पहले हम पर शेयर पे वैल्यू लिख देंगे 105, नंबर ऑफ डिबेंचर से बाद में इंटू करेंगे, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना परसेंट डिबेंचर है ये? ये है 6% डिबेंचर, तो 6% डिबेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है जी। ये 5 रुपए हो गए, ये 100 रुपीज हो गए, 105 हो गए। लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि रिडम्पशन आप 110 पे कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिडम्पशन के ऊपर जो आपका एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसको कंसिडर करने के लिए हमेशा हम फेस वैल्यू को देखते हैं। तो हमारी फेस वैल्यू है 100 और आप इसको रिडम्पशन कर रहे हैं 110 पर एक्स्ट्रा अमाउंट पर, तो इसका मतलब ये हुआ 10 रुपीज एक्स्ट्रा है, ओके जी। तो हम यहां पर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। हमारा एक्स्ट्रा लॉस हुआ है कितना? 10 रुपीज का, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करते हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। कितना हुआ? 10 का। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं, 50,000 है, तो ये हो गया 50,000। से इंटू कर दो आप लोग, ठीक है। तो ये 50,000 से हमने इंटू कर डाला। अब चलिए अब इंटू करके देखते हैं कितना अमाउंट आया हमारे पास, 50,000 इंटू 105, तो 52,50,000, 52,50,000 आ गया। फिर ये आ जाएगी 50,000 इंटू 10, 5 लाख, 50,000 इंटू 100 आ जाएगा 50 लाख, और 50,000 इंटू 5 आ जाएगा 2,50,000, और वही 50,000 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 5 लाख रुपीज। यहां हो जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। जैसा कि आप नरेशन लिखकर आते हैं, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स मेड, और वही नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर मेड, यहां लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, और यहां पर भी आप 50,000 से इसको इंटू कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपके पास 50,000 थे, 50,000 इंटू 105 करेंगे तो 52,50,000 आ जाएगा। तो जो आपसे जर्नल एंट्री पूछी गई थी, तो हमने इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री दे डाली। अब देखिए, अब आपसे क्या बात बोलता है वो, पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखो, आपके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टोटल कितना था आपका? आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है 5 लाख रुपए का, तो थर्ड पॉइंट के अंदर आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो पहले आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा उठाना चाहिए, और मैंने बताया था सारा पैसा हम एक साथ राइट ऑफ करते हैं, अलग अलग ईयर्स के अंदर राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, एक साथ राइट ऑफ करना है। तो आप उठाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा पहले। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,50,000 पड़े थे, आपने 2,50,000 उठा लिए, राइट ऑफ करना है हमें 5 लाख का, तो बाकी पैसा आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से उठाएंगे पैसा, स्टेटमेंट ऑफ
पीएनएल अकाउंट, बाकी के 2,50,000, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आपने राइट ऑफ कर डाला। और अब आप इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, लिखें बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। तो हमारा इस तरीके से ये पॉइंट भी हो गया, थर्ड पॉइंट। अब क्या बोलते हैं आपको, अब आपको बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ नंबर के पॉइंट में आपको बोलते हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के ऊपर एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन किस चीज का होता है, इंटरेस्ट का। देखो लैंग्वेज बदल दी है, बात वही कहना चाहते हैं, आपको भी पता है कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो हमें पेमेंट करना ही होता है। तो लैंग्वेज बदल के आपको क्या बात बोल दी कि आप एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन बताएं। तो बच्चों याद हो तो मैंने आपको कसम दिलाई थी कि डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम की परसेंटेज हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं, फिर चाहे डिविडेंड ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो हमारी फेस वैल्यू थी ये रही, आप यहां से भी उठा के देख सकते हो, देखो ये रही हमारी फेस वैल्यू, 50 लाख के डिबेंचर्स थे हमारे। तो आपको करना है क्या है, 50 लाख के ऊपर 6% डिबेंचर्स थे, उसका मतलब है 6% का इंटरेस्ट रेट है, तो 6% आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया। तो इस तरीके से हमने फोर्थ नंबर के पॉइंट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे वो बोल रहा है प्रिपेयर करो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये है आपका फिफ्थ नंबर का पॉइंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, हेडिंग डालें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आप एक बात बताएं, अब देखो इस एंट्री की अगर मैं पोस्टिंग करूं तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही आ जाएगा क्या, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2,50,000 एंड 2,50,000। और देखिए इस एंट्री के अंदर देखो जो लाल अक्षरों में लिखी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट में है, प्रीमियम और रिडेम्पशन क्रेडिट में है, तो आप क्या लिखने वाले हैं यहां पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में टू डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट में था, लेजर पोस्टिंग का यही नियम है, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 5 लाख रुपीज। इस तरीके से ये हो गया यहां पर टोटल, ये भी हो गया टोटल, ये हो गया आपके पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों करना है अब हमें क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, लिखा है क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट पेमेंट का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय रामनाथ क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो लिखा है प्रिपेयर, हमें क्या काम करना है, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब देखो अब आती है बात, यहां पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आपको बैलेंस बीडी दे रखा है, बैलेंस सीडी दे रखा है, बिना सोचे समझे हमें जब हम अपनी देखो बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, हालांकि क्वेश्चन के अंदर नहीं पूछी, तो अब बैलेंस शीट बनानी होती है तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड तो लिख ही देते हैं, हालांकि क्वेश्चन में पूछी नहीं है इसलिए बनाएंगे नहीं।
फिर इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डायरेक्ट हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चले जाएंगे। हमें सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 25,000 एज अ डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये कहते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है जो आपने बिल्डिंग डोनेशन के लिए पैसा खर्च किया है। तो जब बिल्डिंग डोनेशन के लिए आपने पैसा खर्च किया है, अगर वो सब्सक्रिप्शन के अंदर जुड़ा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको सब्सक्रिप्शन में से घटाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे वो बोलते हैं टेलीफोन बिल अनपेड, अनपेड मतलब होता है आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 और आपका ईयर एंडिंग है 2021, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो वो लेस कर देंगे और करंट ईयर का जो आउट अपना को टेलीफोन बिल दे रखा है 2600 आउटस्टैंडिंग वो जोड़ देंगे। वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज ₹80,000, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू दे रखी है। हालांकि बैलेंस शीट अपन को नहीं बनानी है, अगर बनानी होती तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहीं जाती हैं, लेकिन आपको 8% जरूर कैलकुलेट करना है इसके ऊपर। 80,000 का बच्चों अगर 8% निकालते हो तो कितना आता है, 80,000 का 8% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6400। लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना दे रखा है 5400 का, ये देख रहे हैं आप, ये 5400 इसका मतलब 1000 रुपीज का एक्रूड है और एक्रूड एड होता है। एडिशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30,000 वर परचेज ऑन 31 मार्च 2021, ये कहते हैं ये जो आपने एडिशनल 30,000 की जो परचेज की है वो कब की है, साल के आखिर में की है। जब बोली दिया कि साल के आखिर में की है तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसने यही चेक करने के लिए किया कि देखो बच्चों को पता है कि नहीं, ठीक है सर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, मैंने कहा बनाओ, मैं बनाता हूं तुम मेरी मदद करना, हमने कहा ठीक है सर। तो लो फिर बनाओ फॉर्मेट, तो सबसे पहले यहां पर बनाएंगे डेबिट साइड में और फिर ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, और यहां लिख दो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन में जो 25,000 का जुड़ा हुआ था उसको लेस कर देना चाहिए। लिखो 95,000 का सब्सक्रिप्शन, तो लिखें यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन 95,000 और लेस करो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका कितना है 25,000। तो अब आप माइनस कर दो इसमें से और नेट अमाउंट को बाहर लिख दो, 95,000 माइनस 25,000, तो ये हो जाएगा 70,000 बाहर आ जाएगा। बनाना हमें केवल और केवल क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए ये पॉइंट तो हो गया हमारा, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, टेलीफोन बिल की। ऊपर देखो टेलीफोन बिल कितना दे रखा है, 5,000 का है टेलीफोन बिल, तो ठीक है 5,000 में क्लोजिंग वाला ऐड कर देंगे, ओपनिंग वाला माइनस। तो लिखो यहां पर टू टेलीफोन बिल 5,000 था, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 2600 है, ये देखो 2600, और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 4,000
ठीक है जी। फाइव थाउजेंड प्लस 2600 माइनस के 4000 बच्चों, तो ये आ जाएगा 3600, और 3600 का अमाउंट हमारा बाहर लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अब आती है बात, अब आती है बात थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की देखो बात क्या आती है, वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपन जाएंगे कितना एसेट्स में आती है, वहां तो लिखेंगे नहीं अपन। तो आपको क्या काम करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था हमने, 80,000 का 8% 6400 आया था। तो यहां पता लग गया था हमें कि इंटरेस्ट आपका क्रेडिट में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाहर है 6400, मिला 5400 है, प्लस एक्रूड कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट 1000 का ऐड कर दिया। चलो जी ये भी हो गया, और ये पॉइंट तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इसका तो कुछ करना ही नहीं है। अब शुरुआत से देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब कर चुके हो, एंट्रेंस फीस 1,56,000 दे रखी है, तो एंट्रेंस फीस भी आ जाएगी आपकी बाय एंट्रेंस फीस 1,56,000। लॉकर रेंट आपको दे रखा है 50,000 रुपए का, तो आपका लॉकर रेंट आ जाएगा, तो बाय लॉकर रेंट 50,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिख चुके हैं। रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट, ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट भी आ जाएगा बाय रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 52,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने अपने ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल आउट किया तो वो भी आ जाएगा 4,600 बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 4,600। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 11,000 है, और 12,000 रुपए में बेच रहे हो, 1,000 का प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000। हो गया सारे आइटम्स। अब आप उस पर आ जाओ सैलरीज एंड वेजेस पे, तो सैलरीज एंड वेजेस कितनी दे रखी है आपको, आपके करंट ईयर की 103,200 ये आ जाएंगी। टू सैलरीज 103,200। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं, 47,000 के एज इट इज आ जाएंगे। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 47,000। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, 60,400 के, तो लिख लो टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 60,400। ठीक है जी। और अब इसके बाद रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस आ गया, टेलीफोन बिल लिख चुके हैं, रेंट एंड रेट्स 24,000, तो टू रेंट एंड रेट्स 24,000। लाइब्रेरी बुक, ठीक है, ये तो एसेट्स में आती है, आएगी नहीं, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसेट्स में आती है, यहां पर आएगी नहीं। उसके बाद दे रखा है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी 5,000 रुपए, वो आ जाएंगे यहां पर टू ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम सैलरी को ही कहते हैं, टू सेक्रेटरी
5,000 रुपये। तो अब हम निकालेंगे इसका सरप्लस या डेफिशिट। तो चलिए निकालते हैं, तो टोटल करके देखते हैं। कैलकुलेटर पे देखिएगा अब आप 70,000 क्रेडिट में है, प्लस 6,400 प्लस 1,56,000 प्लस 50,000 प्लस 52,000 प्लस 4,600 प्लस 1,000 माइनस के 3,600 माइनस के 1,032,000 माइनस 47,000 और माइनस 60,400 माइनस 24,000 और माइनस 5,000, तो सरप्लस आ रहा है हमारा 96,800। तो चलिए बच्चों लिख देते हैं, टू सरप्लस 96,800 और इसके बाद ये टोटल हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।